Hello friends, for watching more videos, subscribe my channel and click the bell icon. Hello friends, मैं हूँ अर्चना जैन और the queen of kitchen में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही खास रेसिपी जो हर किसी को बहुत ही पसंद होती है। तो राजभोग श्रीखंड हम आज बनाने वाले हैं। तो चलिए, let's start our recipe. राजभोग श्रीखंड बनाने के लिए मैंने दूध लिया है 1.5 लीटर, चीनी ली है मैंने 1 कप, ज़रूरत के अनुसार चीनी मैं कम या ज़्यादा करूँगी, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने काजू बादाम पिस्ता, इलायची पाउडर ली है और सैफ्रॉन। सबसे पहले हम दूध से दही को जमाएंगे, तो मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है। दूध को हम थोड़ा सा हल्का गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। दूध कुनकुना गर्म हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस दूध में मैं थोड़ा सा जामुन डालूंगी, इसे हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, ऐसे ही रात भर। वैसे तो गर्मियों में 5-6 घंटे में ही जामुन बन जाता है, लेकिन मैंने जामुन अभी डाल दिया है, मैं इसे रात भर रखूंगी। फ्रेंड्स, दूध में जामुन डालकर दही जमने के लिए हमने रात भर रखा था, तो दही हमारा एकदम मलाईदार और गाढ़ा दही बनकर तैयार है। तो अब फिर से टाइम है वेटिंग का। अब हम इसे एक मलमल के कपड़े में बांधकर 5-6 घंटे तक इसका पूरा पानी झर जाने तक छोड़ देंगे और उसके बाद में बनाएंगे श्रीखंड। मलमल के कपड़े में बांधे हुए दही को हमने मलमल के कपड़े से निकाल लिया है। कपड़े में बांधने के बाद जब हम दही को बाहर निकाल लेते हैं तो वो प्लेन नहीं रहता, इसमें ऐसे लम्स दिखने लगते हैं। तो अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये प्लेन हो जाए। और ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम दही के चक्के को मिक्सर के पॉट में डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। चक्का हमारा थोड़ा ज्यादा है तो मिक्सी के जार में नहीं आएगा, तो हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करके ब्लेंड कर लेते हैं। चीनी को भी ब्लेंड करते समय ही हमें जार में डाल देनी है ताकि वो अच्छे से मेल्ट भी हो जाए और मिक्सअप भी हो जाए। मिक्सी में से हमने इसे निकाल लिया है और एकदम प्लेन ऐसा बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे जार में निकाल लेंगे। अब हम इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे, इलायची पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर। केसर ऐड करने के बाद में इसे अच्छा सा येलोइश कलर आता है। आप चाहें तो वो केसर को पहले दूध में भिगोकर बाद में इसमें डाल सकते हैं, तो पूरा श्रीखंड जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। मुझे पूरा श्रीखंड येलो कलर का अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हमने दही में केसर डाल दी तो बाद में उसकी थोड़ी थोड़ी येलोइश शेडिंग दिखने लगती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने केसर अभी इसमें डाल दी है और अब 1-2 घंटे के बाद में केसर का अच्छा सा थोड़ा थोड़ा येलोइश शेडिंग हमें इसमें दिखने लगेगा। अब हम श्रीखंड को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसे 1-2 घंटे ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडा भी हो जाए और केसर जो हमने इसमें डाली थी उसकी भी शेडिंग इस पर आ जाए।
तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी येलोइश शेडिंग आ चुकी है। तो राजभोग श्रीखंड बनकर हमारा तैयार है और आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें येलोइश शेडिंग भी आ गई है, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।